बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गुलाम रसूल साहब, अमीर हैदर सिंगा साहब, सुमेरा मलिक साहिबा, शाकिर बशीर अवान साहब, करम इलाही साहब, मुअज्जम कल्लू साहब, शाहनवाज रांझा साहब, डॉक्टर गौस नियाजी साहब, मेरा भाई सुहेब भरत और खुशाब के मेरे शेरों, वो खड़ी शेरनियों, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। खुशाब वालों, अभी तो मुझे 2 साल पहले का पिछला खुशाब का दौरा नहीं भूला था, जिसमें खुशाब ने मुझे इतनी मोहब्बत दी थी, इतनी मोहब्बत दी थी कि मैं वो भुला नहीं सकी। आज तो खुशाब वालों, आपने तारीख रकम कर दी। जरा खुशाब वालों बताओ, कभी खुशाब में किसी का भी इतना बड़ा जलसा हुआ? खुशाब वालों, आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी शफकत के लिए मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करती हूं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं आगाज करूंगी अच्छी खबर के साथ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी कुछ देर में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ तेल की, पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान करने वाले हैं। से जो मुश्किल फैसले हमें करने पड़े, आज मेरे आवाम को रिलीफ मिलने लगी है, मेरा दिल बहुत खुश है। अल्लाह करे कि आने वाला हर दिन खुशाब के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छी खबरें लेकर आए। बोलो इंशाल्लाह। भाई खुशाब वालों, मानना पड़ेगा, बहुत जज्बा है खुशाब में। मैं देखें, इतने मुश्किल वक्त में जब मुश्किल फैसले करने पड़े, दिल पर पत्थर रखकर फैसले करने पड़े, ऐसे वक्त में भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दिन रात सिर्फ और सिर्फ आवाम का सोचते रहे कि कभी उन पे बोझ ना डालना पड़े। नवाज शरीफ साहब तो ये चाहते थे कि मुझे हुकूमत छोड़नी पड़े तो छोड़ दूं, लेकिन आवाम के ऊपर बोझ ना डालूं। लेकिन अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूं, अगर ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून इस मुश्किल वक्त में, इस आड़े वक्त में ना लेती तो खुदा की कसम पाकिस्तान खराब हो जाता, बर्बाद हो जाता। और मुस्लिम लीग नून हर चीज बर्दाश्त कर लेगी, पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रखेगी इंशाल्लाह। 17 जुलाई को खुशाब में इलेक्शन है,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इमरान खान से नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इमरान खान की 4 साल की बर्बादी और तबाही से है। 4 साल की नालायकी और नाअहली से है। 4 साल की पंजाब में लूट मार और करप्शन से है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर से है, जो लूट लूट कर नोच नोच कर पंजाब को खाता रहा और अपना बनी गाला मनी गाला बना दिया। लोगों के घरों में चूल्हे बुझ गए, लोग 2-2 किलो चीनी के लिए थैलों के लिए लाइनों में लग गए और बनी गाला मनी गाला बन गया। इब्राहिम मानिका जो पिंकी पीरनी का बेटा है, वो इन 4 सालों में लखपति से खरबपति हो गया। और पंजाब में ना कोई स्कूल बना, पंजाब में ना कोई सड़क बनी, पंजाब में ना कोई अस्पताल बना, पंजाब में फ्री दवाइयां मिलनी भी बंद हो गई। तो आप फिक्र ना करो खुशाब वालों, आप पंजाब के खिदमतगार, पंजाबियों के साथ जिनका दिल धड़कता है वो वापस आ गए हैं। सानू मियां उत्ते नाज़े मियां दे नारे। फितना खान रोज पंजाब में आता है और बदतमीजी कर कर चला जाता है, गालियां निकाल कर चला जाता है। मैं पूछती हूँ फितना खान, तो पंजाब किस मुंह से वोट मांगने आते हो? तुमने सवाए फरा गोगी के और पिंकी पीरनी के पंजाब को दिया ही क्या है? और अब तो 17 जुलाई को पंजाब के पास मौका आया है तुम्हारी 4 साल की लूट मार का बदला लेने का। बोलो खुशाब वालों, पंजाब के वसाइल पर डाका डालने वालों से बदला लोगे? और फिर कहता है मैं जहाद करने निकला हूं, जहाद में मेरा साथ दो। इसने फरा गोगी का नाम जहाद रखा हुआ है और मरियम नवाज तो इसको बहुत तकलीफ है कि मरियम नवाज के इतने बड़े बड़े कामयाब जलसे क्यों हो रहे हैं? मरियम नवाज को आवाम से इतनी मोहब्बत क्यों मिल रही है? इसकी सबसे बड़ी तकलीफ फितना खान को है। लेकिन मैं ये बता दूं कि लोग जानते हैं मरियम नवाज शरीफ निकली है तो पाकिस्तान के लिए निकली है, मरियम नवाज शरीफ निकली है तो पंजाब के लिए निकली है, मरियम नवाज शरीफ निकली है तो आपकी रोटी के लिए निकली है, मरियम नवाज शरीफ निकली है तो आपकी सस्ती बिजली के लिए निकली है, मरियम नवाज निकली है तो आपके पास हाजिर होने को निकली है, मरियम नवाज अगर कैंपेन चला रही है तो पंजाब की तरक्की के लिए कैंपेन चला रही है। तुम किसकी कैंपेन चला रहे हो? तुम उसकी कैंपेन चला रहे हो जिसको तुम पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। तो मैं ये पूछना चाहती हूं, जो भी तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि तुम्हारे वोट से वजीरे आला तहरीके इंसाफ का कोई बंदा नहीं बनेगा, तुम्हारे वोट से वजीरे आला पंजाब का सबसे बड़ा डाकू बनेगा, जो कहता था परवेज इलाही खुद कहता था कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये इमरान खान की नैपियां बदलती थी। आज रात को ये जो गुज़िश्ता रात है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया, उन्होंने कहा कि इमरान खान और उसके साथियों ने आईन तोड़ा है।
ये पहला बदकिस्मत पाकिस्तानी है, पहला बदकिस्मत सियासतदान है जिसके माथे पे आईन तोड़ने का कलंक लग गया है। वो आईन जो हमारी मुकद्दस किताब है, जिस पे हमारा पाकिस्तान चलता है, इसने वो आईन तोड़ा। और अफसोस इस बात का है कि चाहे वो इसका सदर अलवी हो या इसका स्पीकर सूरी हो, उन्होंने इमरान खान के जाती मुलाजमीन का किरदार अदा किया और पाकिस्तान के साथ बेवफाई और गद्दारी की। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहती हूं कि इस मामले को यहां नहीं छोड़ना, इन पर गद्दारी और आर्टिकल 6 के मुकदमात चलने चाहिए। चलने चाहिए ना? क्यों खुशाब, आईन तोड़ने वालों पर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, या फिर सजा जो है वो छोटे आम इंसान के लिए है, इमरान खान के लिए कोई सजा नहीं है? और फिर कहता है, आज तकरीर में कह रहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अफसोस हुआ? जब तुम आईन के ऊपर हमला कर रहे थे, आईन तोड़ रहे थे, तब तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ? झूठा 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 झूठा। और फिर रोता है कि मेरे साथ धांधली करने लगे हैं। खुशाब वालों, मुझे बताओ, जब 4 साल इसकी हुकूमत थी, धांधली के ऐसे ऐसे नए तरीके मुतारिफ कराए कि दुनिया दंग रह गई। कभी थैले उठा के भाग जाता था, कभी ईसीपी का अमला उठा के भाग जाता था, और जो इसके बावजूद अपने 4 साल में अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद मुस्लिम लीग नून से सारे जिमनी इंतखाबात हारा, आज वो अपोजिशन में बैठ के कह रहा है कि मेरे साथ धांधली हो रही है। मैं बताऊं धांधली किसको कहते हैं? फितना खान, अगर नहीं पता तो सुन लो, नवाज शरीफ और उसकी बेटी ने 2018 का इलेक्शन अडियाला जेल में बैठ के लड़ा था। धांधली इसको कहते हैं। पंजाब की सड़कों पर दनदनाता फिरता है, जलसों से खिताब करता है, ये किस मुंह से कहता है धांधली हो गई? उसके बाद नवाज शरीफ की आवाज टीवी पर बंद कर दी गई, मरियम नवाज की तकरीरों पर पाबंदी लग गई। इसकी तकरीर पर तो मुस्लिम लीग नून ने पाबंदी नहीं लगाई। ये रोज आता है, 10 दफा आता है, दमाग खाता है, गालियां निकालता है, चला जाता है, लेकिन इसकी तकरीर पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। धांधली इसको कहते हैं जो नवाज शरीफ के साथ हुई। और फिर हमारे उम्मीदवारों को मार मार कर कहा गया मुस्लिम लीग नून की टिकटें छोड़ दो, जिन्होंने टिकटें नहीं छोड़ी उनको ना अहल करवा दिया गया, और जिन बेचारे जो दबाव बर्दाश्त नहीं किए उन्होंने टिकटें वापस कर दी। इसके सारे के सारे उम्मीदवार मैदान में हैं, एक भी उम्मीदवार बाहर नहीं हुआ, और ये फिर भी धांधली का रोना रो रहा है। मैं बताती हूं इमरान खान, हमने जेलों में बैठ के इलेक्शन लड़े, आओ जरा मैदान में आओ और सीखो हमसे इलेक्शन कैसे लड़ते हैं, सीखो हमसे कि मर्दाना वार मुश्किल का मुकाबला किस तरह किया जाता है, सीखो हमसे कि मैदान में जुल्म के बावजूद डट कर खड़ा किस तरह हुआ जाता है। नहीं आता तो मरियम नवाज शरीफ सिखा देती, आ जाओ।
इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है, कभी ये अफवाजे पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है, कभी एक एक्स वाई जेड का नाम लेता है। एक्स वाई जेड छोड़ो, मिस्टर एक्स छोड़ो, मिस्टर वाई छोड़ो, ये बताओ मिस पी कौन थी और मिस जी कौन थी, और मिस्टर आई इब्राहिम मानिका कौन था, ये बताओ आवाम को, आओ बताओ। इसको इलेक्शन कमीशन वो अच्छा लगता है जो इसके लिए आरटीएस बिठा दे। अगर वो इलेक्शन कमीशन इसके लिए आरटीएस ना बिठाए तो वो इलेक्शन कमीशन मरियम नवाज से मिला हुआ है। वो इदारे जो इसको उंगली पकड़ कर चढ़ाए, जिन्होंने इसको इकतदार की मसनद पर बिठाया, जब तक वो इसका साथ देते रहे वो इदारे अच्छे थे। आज जब उन्होंने आईन का साथ देने का फैसला कर लिया तो आज वो मीर जाफर और मीर सादिक हो गए। एआरवाई दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा करता रहे, इमरान के झूठों को प्रचार करता रहे। मुस्लिम लीग नून ने तो एआरवाई को बंद नहीं किया, इन्होंने तो एक दिन भी जियो को बर्दाश्त नहीं किया था, जियो के मालिक को उठा के जेल में फेंक दिया। ये होती है धांधली। और इसको नैब भी वो पसंद है जिसके चेयरमैन को ये उसकी वीडियो दिखा दिखा कर ब्लैक मेल करके अपने मुखालिफीन को उठा उठा के मैदान से बाहर निकलवाए। जहां पर इंसाफ होगा, जहां पर हक होगा, जहां पर सच होगा, वहां इमरान की जुबान को ताला लग जाएगा। लेकिन और कल कहता है मैं मोटरवे से उतरा तो मुझे नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आई जो भाग के लंदन चला गया। और भाई उसने लंदन से बैठ के तुम्हें ऐसी मार मारी है कि तुम पूरी जिंदगी सोचते ही रहोगे मेरे साथ हुआ क्या। तुम्हें मोटरवे क्या, पाकिस्तान के हर तरक्कियाती मंसूबे पर नवाज शरीफ की तस्वीर और मोहर नजर आएगी। मोटरवे उठा के देख लो, नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आएगी। एटमी पाकिस्तान को देख लो, नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आएगी। सड़कों के जाल देख लो, नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आएगी। बिजली के कारखाने देख लो, नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आएगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देख लो, नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आएगी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई अस्पताल का मंसूबा उठा के देख लो, ऑरेंज लाइन उठा के देख लो, मेट्रो बस उठा के देख लो, नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आएगी। और यही तस्वीर अब तुम भी अपने सरहाने रख के सोया करोगे और कहोगे नवाज शरीफ मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया। और जो कहता था मैं इक्तदार से निकला तो खतरनाक हो जाऊंगा, अब रो रो के कहता है, डायरियों में नाम नोट कर रहा हूं, इमरान खान तैयारी पकड़ लो, अब बाकी की जिंदगी उस डायरियों में नाम नोट करते करते गुजर जाएगी। वो जो नोटबुक्स है ना उनको बंद करके ताला लगा के बनी गाला के किसी बक्से में रख लो, क्योंकि इमरान खान तुम्हारी सियासत दफन होने वाली है इंशाल्लाह। और तुम्हारे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, तुम्हारा बहुत जल्द पाकिस्तान में कहीं भी कोई नाम लेवा नहीं होगा इंशाल्लाह। और एक बहुत जरूरी बात, हमारा जो यहां पर
खुशाब में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? अमीर हैदर सिंघा। जो शख्स यहां पर नवाज शरीफ से प्यार करता है, जो शख्स शेर को चाहने वाला है, जो अपने तरक्की से प्यार करता है, मुल्क से प्यार करता है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शेर पर मोहर लगाएगा। जिसने पार्टी के फैसले में पार्टी का साथ नहीं दिया, जो शेर के अलावा किसी और निशान पर खड़ा है लेकिन नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार बनता है, यहां पर मुस्लिम लीग नून का एक ही उम्मीदवार है जिसका नाम है हैदर सिंघा। और जिसने पार्टी के फैसले का साथ नहीं दिया, शेर के वोटर उसका साथ भी नहीं देंगे। अमीर हैदर सिंघा नवाज शरीफ का इकलौता उम्मीदवार है। शेर पर मोहर लगाना, अगर किसी और निशान पर मोहर लगी तो ये खुशाब की ना, मैं क्या कहूं, अब खुशाब की बदकिस्मती होगी अगर कहीं शेर का वोट इधर उधर गया तो शेरों सिर्फ और सिर्फ शेर के ऊपर मोहर लगाएंगे। शेर जलाएंगे, शेर जलाएंगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निकालेंगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निकालेंगे, मोरा शेर। ये गाना बड़ा अच्छा है, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निकालेंगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निकालेंगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निकालेंगे। खुशाब वालों मुझे एक दफा हाथ उठा के बता दो, मुस्लिम लीग नून के साथ यारी तोड़ निभाओगे ना? 17 जुलाई को खुशाब से क्या आवाज आएगी? 17 जुलाई को खुशाब में कौन धाड़ेगा? 17 जुलाई को खुशाब से एक ही आवाज आनी चाहिए, शेर। कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा दे। और 17 जुलाई को पंजाब का दुश्मन, पंजाब की तरक्की का दुश्मन, उसको उठा के पंजाब की हदूद से बाहर फेंक देना। मैं जितने लोग भी मुस्लिम लीग नून की यहां पर कैंपेन चला रहे हैं, शाकिर बशीर आवान साहब, सुमेरा साहिबा, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूं। मुझे एएनपी के झंडे नजर आ रहे हैं, मैं एएनपी का भी शुक्रिया अदा करती हूं। और एक मर्तबा फिर खुशाब वालों आपकी मोहब्बतों के लिए हाथ जोड़ के शुक्रिया। इंशाल्लाह खुशाब में अभी सुमेरा मलिक साहिबा ने यूनिवर्सिटी कहा, इंशाल्लाह ताला शेर जीतेगा तो खुशाब में यूनिवर्सिटी भी बनेगी। मोरा शेर तेरांगे, तेरांगे। जावेद शाह साहब, उमेर रोकड़ी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेब, आपने बड़ी मेहनत की, आपका भी शुक्रिया। खुशाब वालों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहो ते वसते रहो ते सदा खुश रहो। छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा। मैं आज पिंडी से भी आगे कहूटा से, मैं कलर सईदा से दौड़ती दौड़ती खुशाब आई हूं। मैंने कहा खुशाब के लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कहीं मेरी वजह से उनका दिल ना टूट जाए। आपका दिल इंशाल्लाह ना तोड़ूंगी, ना इंशाल्लाह किसी को तोड़ने दूंगी। खुशाब वालों, दिल खुश कर दिया, जिंदाबाद खुशाब, जिंदाबाद।
चलो अब नारा।